स्वागत है आप सभी को मेरे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी मैं ऑर्चिड लेक जा रहा हूं, जो कि देख सकते हैं ऑर्चिड रिजॉर्ट लेक यानी उमियम लेक दिए देख सकते हैं। अमेजिंग व्यू है, रास्ता के दोनों साइड से गाछ वृक्ष लगे हुए, बहुत प्यारा खूबसूरत व्यू है। और ये रहा लेक, जैसे देख सकते हैं आप चारों तरफ पूरा पहाड़ से घिरी हुई है, पहाड़ के बीचों बीच ये लेक है जो कि बहुत खूबसूरत है। बहुत प्यारा व्यू है इधर का, बहुत खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों। यह देख सकते हैं आप लोग, बहुत अमेजिंग व्यू है इधर का। दोस्तों ये झील के जस्ट सामने आपको कुछ पार्क वगैरह भी मिल जाएंगे जो कि आप लोग देख सकते हैं। फील्ड है, यहाँ में कुछ प्रोग्राम वगैरह होते रहता है और यहाँ में नाव बोटिंग कंपटीशन होते रहता है दोस्तों। और ये देखते हैं कि यहाँ का कुछ अमेजिंग व्यू है जो कि चारों तरफ आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और साथ में आप देख सकते हैं कि एकदम सुनसान पहाड़ों के बीच बीच ये झील दिखाई दे रहा है जो कि बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है दोस्तों। चलिए आप सभी को दिखाते हैं चारों तरफ के और नीचे का कुछ व्यू दिखाते हैं दोस्तों, कैसा लगता है आप सबको। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों। और ये देख सकते हैं ये झील है यानी लेक है और इसी बीच में वोटिंग कुछ वोट लगे हुए हैं, कुछ वोट बन रहे हैं दोस्तों। और बहुत सारे लोग यहाँ में आते रहते हैं। ये भी बहुत, यहाँ का पानी भी बहुत एकदम नीला है, एकदम साफा पानी रहता है दोस्तों। ऐसे तो अभी बारिश स्टार्ट हो गया इसलिए इतना आपको क्लीन नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत क्लीन है दोस्तों। इधर रहे कुछ लोग अपने अपने पिक्चर वगैरह ले रहे हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं। और ये रहा सीढ़ी जो कि नीचे की तरफ लेके जाएगा, तो हम लोग चलते हैं नीचे की तरफ और देखते हैं। यहाँ से तो बहुत बहुत ही क्लीन पानी देख रहा है दोस्तों, तो चलिए हम लोग नीचे जाके देखते हैं। बहुत सारे वोट भी लगी हुई है दोस्तों। आप सभी को बता दूं कि इस झील का निर्माण 1960 ईस्वी में किया गया था, उमियम नदी पे बांध बना के इस झील का निर्माण किया गया था दोस्तों। तो एक तरह से देखा जाए तो ये झील कुदरती नहीं है, इसे मानव निर्मित है, ये इंसान ही बनाए हैं। और इसे बिजली उत्पन्न करने के लिए इसे बनाया गया था, मतलब असम सरकार द्वारा। और ये तो पहले तो मेघालय असम सभी एक ही थे, बाद में सब धीरे धीरे डिवाइड किया गया। ये झील बरमूडा का झील से भी बहुत बड़ा है दोस्तों। अमेरिका में भी जो झील है, बरमूडा भी है, मतलब जो भी है वो सबसे भी बहुत बड़ा है दोस्तों। तो यहाँ का कुछ अमेजिंग व्यू है जो कि देख सकते हैं। और ये रहा एनाकोंडा, जो कि वोट में लिखा हुआ है एनाकोंडा वोट है। तो एनाकोंडा फिल्म किसी किसी ने देखा है तो उनको मालूम है एनाकोंडा कौन था, और कमेंट कीजिएगा आप लोग दोस्तों। यहाँ का व्यू कुछ इस तरीका से है जो कि देख सकते हैं। और सामने वोट लगी हुई है दोस्तों। तो मैं वोट के पास पहले आया, देखा तो यहाँ में मतलब बोला कि टिकट आपको ऊपर में ही मिलेगा। तो फिर हम यहाँ से घूमने के बाद फिर मैं रिटर्न चला गया टिकट लेने। तो वहाँ में 10 पर्सन का लगभग 1100 समथिंग रुपया था। तो फिर आप हमको लेके बैठे थे, ठीक ये वाले नहीं, वो वाले ओके, और वो ये वाले उनका आप मेरा भाई को लेके बैठे। अच्छा अच्छा, नहीं सबका एक एक सीट मिलेगा तो जगह पूरा है। डर लग रहा है क्या? नहीं हमको डर नहीं, पीछे बैठने में हमको मजा नहीं, आगे बोल रहे होते ना। पापा को आने दो, रुक जाओ इधर, ये पानी इधर कैसे है दोस्तों। उमियम लेक को बड़ा पानी भी कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि उम का मतलब बड़ा यानी अधिक और यम का मतलब जल होता है, यानी बड़ा या अधिक जल वाला जलाशय, इसीलिए इसे बड़ा पानी कहा जाता है दोस्तों। और यहाँ का कुछ ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत प्यारा व्यू, बहुत खूबसूरत है, बहुत नज़ारा, मतलब कुछ ऐसा है ना कि बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों। और आप लोग भी आइए यहाँ में एक बार, बहुत सारे मज़े करके जाइए। और जो लोग ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, वो आइए इधर में और रिलैक्स फील हो होकर यहाँ से वापस हैवी फिकर के घर चाहिए दोस्तों। दोस्तों यहाँ यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा मतलब कुछ कहावत कहा गया है, यानी कि यहाँ के कुछ स्टोरी है दोस्तों। कहा जाता है कि दो बहनें स्वर्ग से उतर कर आए थे,
और यात्रा के दौरान एक बहन बादलों में हो गए थे, क्योंकि यहाँ में तो मेघालय है, मेघालय मतलब बादलों के घर को लग गया दोस्तों, इसलिए वो मेघालय यानी बादल में ही कहीं खो गए थे और दूसरी बहन उनको ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हुए। इसके बाद वो मेघालय पहुँचे तो वो बहुत रो रहे थे, बहुत रो रहे थे, तो उन्हीं के आंसू का इतना रोना हुआ ना, इतना आंसू आया, इतना आंसू गिरा, जिसके कारण ये झील का निर्माण हुआ। यहाँ स्थानीय लोगों द्वारा कहते हैं, ये बात कितना सत्य है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ का यही स्टोरी है दोस्तों, और ये झील बहुत ही अमेजिंग है, बहुत प्यारा है, बहुत यहाँ का व्यू बहुत ही खूबसूरत है। फाइनली दोस्तों बोटिंग किया हो गया हुआ है और मैं अभी आ गया हूँ लेक के दूसरी साइड, जो कि आप लोग देख सकते हैं इस तरीके का कुछ नज़ारा है। यहाँ में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, इस बीच में मतलब इस पार्क को बनाया गया है, और ये बहुत ही आप ये देख सकते हैं ऊपर हाइट बना हुआ है, ऊपर जाके आप लोग देख सकते हैं। और ये रास्ता मतलब कि लंबे ब्रिज के जैसे बनाया गया है, मतलब पेड़ के ऊपर में यानी गाछ के ऊपर में ही इसे बनाया गया हुआ है, ब्रिज की तरह से रास्ता बना हुआ है, जो कि ये देख सकते हैं। और ये लास्ट में जाकर ये ख़त्म भी हो जाती है दोस्तों, और ये देख सकते हैं ये ख़त्म हो चुकी है, और फिर मैं यहाँ से वापस जाऊँगा दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी को बता दूँ कि जो लोग मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट भी कीजिए दोस्तों। और साथ में आप सभी को बता दूँ कि मैं यहाँ से एलिफेंट फॉल्स जाऊँगा, तो एलिफेंट फॉल्स का बीच का जो भी है वो भी वीडियो छोड़ूँगा, और साथ में एलिफेंट फॉल्स का छोड़ूँगा। तो वीडियो को बने रहे और सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो आप सभी को मिले।